छतरपुर जिले में 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे शरदीय नवरात्र और विजयदशमी पर्व को देखते हुए कोतवाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा ने उपस्थित समस्त लोगों से आगामी त्योहारों को शांति और सद्भाव पूर्वक मनाने की अपील की। साथ ही बैठक में मौजूद नगर के गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। आपको बता दें कि आगामी 3 अक्टूबर से शरदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जिले भर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर हिंदू उत्सव समिति के पवन मिश्रा, व्यापारी प्रकोष्ठ के लालचंद ललवानी सहित विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग मौजूद रहे। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। ये आगामी नवदुर्गा के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए आज कोतवाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें साथ ही डीजे संचालकों को भी बुलाया गया था। इस बैठक में मुख्य रूप से जो आयोजन होना है नवरात्रि का, जो टेंट लगने हैं उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और लोगों की क्या अपेक्षाएँ हैं, इस संबंध में जानकारी का आदान प्रदान हुआ और सभी से अनुरोध किया गया कि त्यौहार हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक